हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेलकोनिक टेक्नोलॉजी। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, 16.5 किलोवाट, वो भी सिर्फ 4 बैटरी के ऊपर। ऐसा सिर्फ गैलेक्सी के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि गैलेक्सी में हम चार्जिंग करंट के साथ साथ डिस्चार्जिंग करंट को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 गैलेक्सी लगाए हैं और सभी के अंदर सिर्फ 40 एम्पियर की डिस्चार्जिंग दी है, यानी कि टोटल होता है 120 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट, जिससे कि बैटरी फटने का कोई खतरा नहीं होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये है वो खूबसूरत स्कूल जिसके अंदर ये गैलेक्सी लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत स्कूल की बिल्डिंग है। तो आइए चलते हैं स्कूल के अंदर। तो ये है हमारा गैलेक्सी का सेटअप जो सीढ़ियों के नीचे लगा हुआ है, और ये है हमारे 15 किलोवाट की सोलर पैनल। तो हर एक गैलेक्सी के ऊपर 5 किलोवाट सोलर पैनल गया हुआ है। ये है हमारे स्विचेस, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इनको हम बाईपास भी कर सकते हैं। ये है हमारा एसी बॉक्स, जिसमें पहले 125 एम्पियर की एसी एमसीबी है, उसके बाद हमारी एसपीडी आती है, और दो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाती हैं, एक स्मार्ट लोड के लिए और एक नॉर्मल लोड के लिए। उसके बाद आता है हमारा डीसी बॉक्स। डीसी बॉक्स में हमें 12 फ्यूजेस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 गैलेक्सी हैं जिनके ऊपर 6 MPPT हैं। ये है हमारा डीसी बस बार। तो डीसी बस बार पे पहले सभी गैलेक्सी की वायर्स गई हुई है, और उसके बाद ये वायर्स 4 बैटरी के ऊपर गई हुई है। तो 4 बैटरी के ऊपर ही ये पूरा सेटअप चल रहा है। तो हर एक इन्वर्टर के ऊपर हमने 40 एम्पियर की डिस्चार्जिंग को दिया हुआ है। ये पहला इन्वर्टर है। अब हम दूसरे इन्वर्टर के अंदर देखेंगे, यहाँ भी 40 एम्पियर का डिस्चार्ज दिया गया है। उसके बाद थर्ड इन्वर्टर हम देखेंगे, तो यहाँ भी 40 एम्पियर का डिस्चार्ज दिया गया है। इससे 120 एम्पियर से ज़्यादा इस बैटरी से ड्रॉ नहीं होगा, तो बैटरी नहीं फटेगी। देखिए, हमारा इन्वर्टर बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है। इस सेटअप के अंदर हमने 4 बैटरी का यूज़ इसलिए किया है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे लाइट अवेलेबल है। अगर आप बैटरी के ऊपर पूरा 15 किलोवाट का लोड उठाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 12 बैटरीज का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से 3 गैलेक्सी सिर्फ 4 बैटरी के ऊपर ही पूरे के पूरे प्लांट को रन कर रहे हैं, और ये प्लांट आपका हाइब्रिड है, यानी ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का काम यहाँ पर हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज कर सकते हैं। डीलर से परचेज करने के लिए आपको जाना होगा www.selchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट, और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 डेड टन के एसी, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समरसीबल पंप और 1 3 HP की मोटर।